wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Assalamu alaikum ji, welcome back from Baku, Azerbaijan. Aaj Baku, Azerbaijan ke trip ka last day, almost last day hai. Hotel ka last day hoga, chunki hotel abhi check out kar diya hai, 3 baje hain. To jo last video mein aapne dekha hoga ki main Ghabala aur Shaki se tour karke aaya tha, uske baad 2 ya 3 din main yahin pe Baku mein ruka hu. और देन अभी इस होटल में था, अल्टस होटल में, अभी इसको चेकआउट कर दिया है. और मेरी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो वो है अलानिया टर्की में. क्योंकि अगर आपने अज़रबैजान से टर्की की तरफ मूव करना है, ट्रैवल करना है, तो आपको सबसे सस्ती फ़्लाइट जो मिलेगी वो पेगासस एयरलाइन की मिलेगी, और वो मिलेगी अलानिया की. इस्तांबुल की भी महंगी है, अंकारा की भी महंगी है, एंड सबसे पहले सस्ती मिलेगी अलानिया, देन उसके बाद आपको चीप फ़्लाइट मिलेगी इज़मीर की. तो अलानिया जो है वो मुझे, चूँकि अंतालिया जाना है, तो अंतालिया से बिल्कुल 2 घंटे की बस राइड पे है, तो मैंने अलानिया की फ़्लाइट बुक कर दी है, और वो है सुबह 4 बजे की, मींस कल सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग. तो अब चूँकि होटल मुझे एयरपोर्ट जाना था रात को 12 बजे, तो मैंने फिर होटल चेकआउट कर दिया, सामान वगैरह ले लिया, ये देखें, और बस अब निकलूँगा और कहीं एक दो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पाकिस्तानी, वहाँ पे जो है वो बैठूँगा, थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है वो निपटा के, देन उसके बाद रात को एयरपोर्ट चला जाऊँगा. जब लास्ट बस जा रही होगी उस बस में एयरपोर्ट चला जाऊँगा, तो वहाँ जाके फिर वेट कर लूँगा. तो अभी मूव करूँगा. ये एरिया है, एरिया कौन सा था, ये निर्मानोव, दो नाम है, निर्माण भी है और निर्मानोव भी है. तो इससे मुझे जो है ना स्टेशन जाना है, स्टेशन से फिर मैं जाऊंगा निज़ामी स्ट्रीट की तरफ, वहीं पे बैठूंगा. और जो निज़ामी स्ट्रीट मेन जो इनका सेंटर सिटी है, साहिल निज़ामी, ये वाला एरिया, तो उधर बैठूंगा. उसके बाद जो है ना वो मैं जो है वो फिर रात को, जैसा कि बता दिया मैंने कि रात को मैं जाऊँगा एयरपोर्ट. होटल जो था वो ये था, अल्टस होटल. ये 5 स्टार तो लिखा हुआ, लेकिन ये किसी भी एंगल से जाना वो 5 स्टार नहीं था, ये 3 स्टार होटल था. और सर्विसेज इंतहाई घटिया थी इनकी. और ये साथ में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये वाला, ये भी ऑलमोस्ट बस पूरा पूरी सूरी सर्विस ही है इनकी. तो ये भाई जो पिछले कुछ दिनों से मुझे जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे थे, और अभी इनकी भी फ़्लाइट है 27 को है ना, हाँ इनकी भी 27 को अलानिया की फ़्लाइट है, और मेरी जो है वो कल है. तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कहाँ पे, अंतालिया में. कैसा लग रहा है हॉस्टल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है. लेट्स राइट. मैं आज बेसिकली जो है ना वो जा रहा हूँ, तो ये अकेला रह गया, तो ये हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा है आज. तो के दिल लग जाए किसी के साथ. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out. भाई ये आ गया जी. सारा दिन घूमने फिरने के बाद ना अब हम बैठे हैं खाना खाने,
और ये सहन भाई का जो है ना वो आ गया है खाना, मेरा अभी तक नहीं आया। पिछले तीन दिन दो दिन से जो है ना वो मेरे साथ यही हो रहा है कि इसका खाना आ जाता है और मेरा खाना 15-15 मिनट लेट आता है। पता नहीं मैं ऐसा क्या मंगवा लेता हूँ। तो अभी अपना इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है कैफ़े निज़ामी स्ट्रीट पे, तो मेरा खाना आता है तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। फिर चलो ये फाइनली आ गया मेरा वाला खाना भी। ये है क्या खाना, ये तीन भी कबाब हैं और साथ में एक सैलड है, केचप है। ये है बीफ के कबाब ना, जो रोल किया हुआ है इसमें, और ये जो है ना वो लवाश है, और ये रही ब्रेड, और साथ में ये लस्सी। तो खाना एंजॉय करते हैं, ये इस तरह का कुछ अजरी खाना होता है, खाना एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद आगे जो आज का लास्ट कुछ पार्ट रह गया है उसके बाद आज की वीडियो एंड। चले भाई फाइनली बाकू से रवानगी होगी, टैक्सी कॉल की है एयरपोर्ट के लिए, हुसैन भाई साथ हैं, हुसैन भाई से मुलाकात होगी अब अंतालिया में इंशाल्लाह, और टैक्सी आ जाए तो फिर एयरपोर्ट तक जाते हैं। जी तो फाइनली बाकू हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। टैक्सी वाले ने मुझे ड्रॉप किया था 13 मनात का जो है ना, वो मैंने बोल्ट से टैक्सी बुक की थी, 13 मनात बनते थे, लेकिन यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि 19 मनात बने। तो मैंने खैर 19 मनात दे दिए उसको, मेरे पास थे ही 20 मनात बाकी बचे हुए, तो वो मैंने उसी को दे दिए। खैर एनी हो अभी चेक इन हो गया और इमिग्रेशन पासपोर्ट कंट्रोल हो गया, फ्रेश व्रेश हो के अभी कॉफ़ी एक ली है और बैठा हूँ। 4:30 बजे 2 बज गए हुए हैं, 4:30 बजे की सुबह मेरी फ़्लाइट है जो कि है अलानिया की, जो कि अंतालिया से तकरीबन 3 घंटे की बस की ड्राइव या ड्राइव बोल रो उस पर है। बट थोड़ा सा इशू आया, डिफरेंट किस्म का मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन का, ये वाला क्यों तो होना भी चाहिए था क्योंकि ये वाला मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ से पाकिस्तान से फ़्लाई करके आया था बाकू, बाकू से अब फ़्लाई करके जा रहा हूँ टर्की। तो उन्होंने पूछा आपका वीज़ा तो है नहीं है, तो मेरे पास चूँकि रेजिडेंस कार्ड है टर्की का, तो मेरा भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पता नहीं शायद तो देखने वाले का भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो उसने पता नहीं 2-3 लोगों को और बुला लिया, उन्होंने वेरीफाई किया, कॉलें वॉलें करते रह गए, मुझे बिठा दिया, 10 मिनट तक बैठा रह गया हूँ। फिर आया वो, फिर 10 मिनट का इंटरव्यू लिया उसने कि टर्की क्या करते हो, क्यों रहते हो, एंड पाकिस्तान के हो, टर्की क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब, कहता क्या जॉब करते हो, मैंने कहा मैं जॉब तो नहीं करता लेकिन मैं टूरिज़म इकामत पे हूँ। तो कहते कहाँ कहाँ घूमा है, फिर उसने सारे मेरे से इंटरव्यू लिया कि मैं टर्की में कहाँ कहाँ घूमा हूँ, तो इस्तांबुल कितनी दफ़ा गए हो, इस्तांबुल में क्या देखा है। और फिर कहते हैं तुम्हारा जो है ना वो सिस्टम पे 2 दफ़ा टर्की का चेक इन आ रहा है, बट तुम्हारे पासपोर्ट पे जो है ना वो एक बार जो है ना वो वीज़ा लगा हुआ है। तो क्या तुम्हारे पास कोई और पासपोर्ट भी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मेरे पास एक ओल्ड पासपोर्ट है। तो कहता वो दिखाओ मुझे, वो दिखाया, देन उसके बाद अब जाके उसने कहीं माना और कहता है ठीक है आप जा सकते हो। तो खैर उसने एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी, फाइनली बाकू अज़रबैजान से अब एग्ज़िट हो गया। बाकू का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मैंने यहाँ पे 10, 11, 12 दिन था, 11 तारीख को आया था, आज 22 तारीख होगी, तकरीबन 11 दिन बनते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया। आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में, अगर नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लें। और मैंने एक्सप्लोर किया बाकू पूरा सिटी, मैक्सिमम जितना आपको दिखा सकता था वो मैंने दिखाया, कुछ मैंने नहीं भी दिखाया, अगली दफ़ा के लिए छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह आपको अगली दफ़ा दिखाऊंगा। काफ़ी दफ़ा मेरा मूड नहीं था वीडियोस बनाने का, तो मैंने कैमरा 2-2 दिन ऑन भी नहीं किया,
और फिर मैंने गबाला की तरफ गया था, फिर शैकी गया था। शैकू कोई इतना जाने वाली जगह नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, एक दो जगह देखने वाली है, सफ़र लंबा पड़ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आपने कंट्री साइड देखना तो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। गबाला अच्छी जगह है, और नॉर्मली पाकिस्तान से जितने भी ट्रिप आते हैं वो सब लोग सुबह जाते हैं गबाला और शाम को वापस आ जाते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट एक नाइट गबाला में ज़रूर स्टे करें, बहुत ज़बरदस्त जगह है। आपको साफ़ सुथरा नीलम वैली या नारायण जो है ना वो मिल जाएगा, साफ़ सुथरा। और बाकू में जब आएँ तो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना फ्रॉड थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक एक्स्ट्रा मांगते हैं पैसे काफ़ी जगहों पे। लाइक अगर आप कहीं चाय लेंगे तो हार्डली चाय की कॉस्ट क्या है, एक मनात या दो मनात, 115 रुपए का मनात आता है एक, तो हार्डली एक मनात की चाय होनी चाहिए, लेकिन ये पांच मनात भी अक्सर ले लेते हैं, क्योंकि वो उस टाइम जो है ना वो हम देखते नहीं हैं कि वो पांच मांगते हैं, हम पांच निकाल कर दे देते हैं, लेकिन वो टेक्निकली हमें पड़ रही होती है 550 रुपए की चाय। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, टैक्सी वाले भी अक्सर जो है ना वो हाथ कर जाते हैं। खैर, मुझे नहीं हुआ, कहीं भी हाथ नहीं हुआ। एक तो दोस्त मिले थे इधर ही पाकिस्तानी, तो उनके साथ हो चुका था, तो ध्यान कीजिएगा। हाँ, अगर आप निज़ामी स्ट्रीट से और थोड़ के सराउंडिंग से थोड़ा सा हट के अगर आप गली मोहल्लों में जाकर खाना भी खाएंगे तो लिटरली खाना आपको डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, डिवाइडेड बाय 3 पड़ेगा। चाय जो कि बाहर एक कप 5 मनात का मिलता है, अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में कैफ़े में जाकर पियेंगे तो वो लिटरली आपको एक मनात की पूरा चैनक दे देगा, और वो उसमें 6 से 7 कप होते हैं। खैर, एनी हो, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि आप कैसे जो है ना वो बाकू को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर, अज़रबैजान को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाने की जगह नहीं है। और फाइनली जो है ना वो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करूँगा। एक और अहम बात जो रह गई थी और मैं बताना जाते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि अज़रबैजान के लोग पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, चूँकि आर्मेनिया से जंग में पाकिस्तानियों ने बहुत हेल्प किया था इनको, और पहले भी अज़रबैजान के पाकिस्तान से रिलेशन बहुत अच्छे रह गए हैं जब से ये सोवियत यूनियन से अलग हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बीइंग पाकिस्तानी अपने देखने वालों के सामने कि थोड़ी सी जो है ना वो ख्याल रख लीजिएगा, यहाँ आके किसी को जो है ना वो दो नंबर ही नहीं करनी है, और अच्छे तरीके से पेश आना है, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं करना। ये एक मैसेज था, जस्ट एक कंट्री है जिसमें जो है ना वो अगर रिस्पेक्ट है तो आप रहने दीजिए उसको ना, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सब लोग उसमें शामिल हैं, तो कोशिश करें कि ये बरकरार रहे। तो ये पैगाम था जाते जाते जो मैंने अपने पूरे इस ट्रिप में फील किया, वो एक ये पॉजिटिव चीज़ थी। इस ट्रिप को भी यहाँ पे एंड करूँगा। टर्की चूँकि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन टर्की मेरा थोड़ा सा काम है, मेरी मीटिंग है, उसके लिए जो है ना वो मुझे जाना है, उसके बाद का पता नहीं कहाँ पे होता हूँ, कहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं पता है खुद, चूँकि मेरी अगली कोई फ़्लाइट बुक नहीं हुई है अभी। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इस ट्रिप को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो पिछली 4-5 वीडियोस मैंने अज़रबैजान के बनाई हैं आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगले किसी ट्रिप पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। This is not the end.